हेलो दोस्तों, तो आज मैं एनालाइज करने वाला हूँ यूपीएससी सीसेट 2011 से 2022 तक में कितने क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से और वो कितने नंबर के हैं। ठीक है, पूरा एनालाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, 2011 से लेकर 15 तक दिया है इसका अगले स्लाइड में, उसके आगे के ईयर्स के टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि केवल 6 टॉपिक जो हैं, यहाँ पे 5 ही टॉपिक दिख रहे हैं, तो केवल 5 टॉपिक जो हैं उन्हीं से ही सीसेट में क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कहीं और से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है मैथ एंड बेसिक न्यूमेरेसी, इसके बाद है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि सिंपली बोले तो मैथ रीजनिंग, इसका डिसीजन मेकिंग, इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इसका DI यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। ये 5 टॉपिक हैं जिसमें से सीसेट का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि किस ईयर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, 2011 में मैथ से 11 क्वेश्चन आए थे, इसके बाद रीजनिंग से 17 क्वेश्चन आए थे, डिसीजन मेकिंग से 8 क्वेश्चन आए थे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लगभग 39 क्वेश्चन आए थे, इसका DI से 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब सबका न देख के हमें जो जरूरी है उसी को देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, डिसीजन मेकिंग का 2011 से लेकर 2013 तक तो क्वेश्चन आए थे, उसके बाद 2014, 2015 और उसके बाद 2016 से लेकर 2020 तक में 0 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग का अब हम लोग को तैयारी नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, डिसीजन मेकिंग का तैयारी हम लोग को नहीं करना है। अब देखते हैं आगे, तो इसके बाद आता है रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप देख रहे होंगे कि 39 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, यानी कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसका DI का देखते हैं तो कभी 5 आता है, फिर 0 आता है, 9 आते हैं, 6 आता है, 2 आता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखें तो फिर 0 हो जाता है। ठीक है ना, इसका 0 हो गया और लास्ट में 2020 में 1 आया था, यानी कि आप इससे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग छोड़ दीजिए। तो हमारा क्या हो गया, दो चीज़ें क्लियर हो गई कि हम लोगों को डिसीजन मेकिंग नहीं पढ़ना है और डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ना है। अगर एक आध क्वेश्चन आ भी जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन से, तो उसमें 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, एक DI से 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 में से आप 2 तो मिनिमम अपने आप ही कर सकते हैं। अगर आपको DI नहीं आता है तो भी आप आराम से कर सकते हैं, तो आपको इसकी भी तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, इन दोनों की तैयारी आपको नहीं करनी है। अब तैयारी आपको किस किस चीज़ का करना है, तो आपको सबसे पहले मैथ का, उसके बाद रीजनिंग का और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का तैयारी करना है। बहुत लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फंस जाते हैं, तो उनके लिए क्या ट्रिक है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी देख लेते हैं कि मैथ और रीजनिंग में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, 2011 में 11 क्वेश्चन आए थे, 12 में 3 आए थे, 2013 में 11, फिर 20, फिर 30 और उसके बाद आगे देखें तो 31 क्वेश्चन, फिर 28, फिर 18, फिर 22, फिर 39 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और यही अगर हम लोग देखें 2011 में रीजनिंग का, तो 17, 28, 21, 23, 18, 21, 22, 22, 18, 10, यानी कि 10 मिनिमम था इसका। ठीक है, इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का देखें तो 39 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 33, 31, 30 और इसके बाद 28 क्वेश्चन 2016 में आए थे, 2017 में 30 क्वेश्चन, 18 में 26 क्वेश्चन, 19 में 30 क्वेश्चन और 2020 में 25 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब आप लोगों ने जान लिया है कि 2011 से 2020 तक में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आपको मैंने बताया था, यानी कि मैथ, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए ज़रूरी है, बाकी जो है ये आपको तारीफ नहीं करना है, क्योंकि अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला स्लाइड है जिसमें आपको टॉपिक दिए गए हैं और उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ का दिया गया है,
फिर रीजनिंग का दिया गया है, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का दिया गया है। यही तीन टॉपिक आपको तैयार करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैथ का बताते हैं कि कितना क्वेश्चन आने वाला है। तो मैथ से जो है 20 से 25 क्वेश्चन आप एवरेज मान लीजिए कि इतने आने ही वाले हैं, ठीक है। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग का जो है वो 10 से लेके 15 यहाँ पे होना चाहिए था, 55 हो गया है। तो 10 से लेके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग से, ठीक है। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसमें मिनिमम 25 क्वेश्चन आने ही आने हैं, और 25 से 30 तक मान सकते हैं, और 30 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आप इसको 25 मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अगर आप केवल मैथ का और रीजनिंग का तैयारी कर लेते हैं तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं तो आप रीजनिंग भी तैयार कर लीजिएगा, जो कि आसानी होता है, ठीक है। इसके बाद आप चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस कितने क्वेश्चन आपको लाने चाहिए, यानी कि 80 क्वेश्चन में से कितने सही करें या फिर कितने गलत करें, कि आपका मिनिमम क्वालिफाई जो नंबर होता है, ठीक है, यानी 66 जो होता है वो आप अचीव कर सकें, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि कैंडिडेट को मिनिमम 33% चाहिए होता है, यानी कि 66 नंबर चाहिए होता है, ठीक है। तो आप चाहे तो अगर सही सही सब क्वेश्चन करते हैं तो 27 क्वेश्चन में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 80 में से 27 क्वेश्चन कर लेंगे सही सही तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हम लोग कभी कंफर्म नहीं होते 100% कि हमारा सही ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बता नहीं सकते कि आपको कितना करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप कितने क्वेश्चन में कितना सही या कितना गलत करेंगे कि आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क जो है वो अचीव हो सके। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं वो दिया गया है, इसके बाद कितने क्वेश्चन सही हैं वो दिया गया है, इसके बाद कितने क्वेश्चन गलत हैं वो दिया गया है, और ओवरऑल मार्किंग कितनी आई वो देखना है। तो हम लोग को मिनिमम इतना लाना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि अगर आपने 27 क्वेश्चन सही किया है, ठीक है, इसके बाद कोई आपने क्वेश्चन टच ही नहीं किया, क्यों 27 क्वेश्चन टच किया और 27 सही है, ठीक है ना। 27 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए हैं जिसमें से 27 सही हैं और एक भी गलत नहीं है, ठीक है ना, एक भी गलत नहीं है, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब अगर आप कहीं कभी सही भी करते हैं कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन गलत भी करते हैं, तो आपको क्या करना है, अगर मान लेते हैं कि आप 39 क्वेश्चन केवल अटेम्प्ट कर पाए हैं 80 में से, ठीक है, तो आपको मिनिमम जो है 30 क्वेश्चन सही चाहिए ही चाहिए, और 9 क्वेश्चन गलत होते हैं तो भी आपका जो है क्वालिफाई हो जाएगा। इसके बाद आगे देखें कि अगर आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो मान लेते हैं कि 59 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें से अगर आपका 35 ही सही हुआ, 59 में से 35 सही हुआ, यानी कि 24 गलत हुए, ठीक है ना, तो आप 35 सही करके आते हैं तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि 80 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करिए, ठीक है ना। अगर आप 80 में से 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा, इससे आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और गलत होने का चांस कम रह जाता है, ठीक है। क्योंकि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप अधिक टाइम लेते हैं तो क्वेश्चन के सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 80 में से मिनिमम 27 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही है, लेकिन अगर आप 80 में से 60 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो भी आपका क्लियर होने का अच्छा खासा चांस रहता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जान चुके हैं कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से कितना सही रहेगा और कितना गलत रहेगा, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।